मैं शायद कभी अनाथ, लेकिन कल जो तुमने हरकत की है और उसमें सुरैया को भी शामिल किया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आके तुमसे बात करूं। मेरे भाई ने नहीं, आपकी बहन। जी प्लीज, आप चाय बनाइए, मैं बात कर रहा हूं। क्या सोचकर तुमने सुरैया को घर से भागने का बोला है, है क्या तुम्हारे पास? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आप लोग उसकी शादी का यौन करवा रहे थे, इसलिए मैंने और सुरैया ने सोचा कि हम लोग। सुरैया ने नहीं, सिर्फ तुमने मोहब्बत करते सुरैया से। शादी के बाद उसे कहाँ रखते? यहाँ पे, जहाँ पे तुम्हारी माँ और बहन उसे कबूल ही ना करते, सारी जिंदगी बातें सुना सुना के उसका हशर कर देते। ये इज्जत देते तुम अपनी बीवी को? एक घर से भागी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं करता, कभी सोचा तुमने? दादाभाई, मैं मना लेता अम्मी को। अंदाजा हो गया कि कितना मना लेते अपनी माँ को और बहन को। मोहब्बत करना बहुत आसान होता है वैसे, लेकिन उस मोहब्बत को इज्जत देना आसान नहीं होता। अगर किसी भी औरत को मोहब्बत के साथ साथ इज्जत ना मिले, उसकी मोहब्बत दम तोड़ देती है। तुम आज के बाद सुरैया से कोई रابطہ नहीं रखोगे, समझे तुम? मुझे अपनी बहन की इज्जत बहुत अजीज है। सुरैया मुझसे मोहब्बत करती है दाऊद भाई। भाभी आप बताइए ना। आई एम सॉरी अवैस, इस बात पर मैं डेविड के साथ हूँ। मैं जब पहली बार तुमसे मिली थी तो मुझे लगा था कि तुम सुरैया को संभाल लोगे, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि इन हालात में तुम सुरैया को कुछ नहीं रख सकता। मुझे एक और मौका मिलना चाहिए, मैं अम्मी को मना लूँगा और बाजी को भी। मैं तुम्हें यह मौका देने ही आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना मेरी बहन के लिए फ़ायदेमंद हो। यहाँ पर आके जो जो सुना है और बर्दाश्त किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि सुरैया का भी वही फैसला होगा जो कनीज फातिमा का और मेरा है। तुम आज के बाद सुरैया से रابطہ नहीं करोगे, बस। मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कनीज फातिमा, चलो।